हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे एआई एटीसी की सैलरी स्लिप और जानेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी कितनी बनती है और सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स एंड अलायंसेस जो आपको यहां मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के एटीसी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो और यहाँ आपकी पे स्केल ईवन ग्रेड की रहती है जिसमें आपकी बेसिक पे 40,000 रहती है। ये इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद की सैलरी एंड यहाँ बेसिक पे 41,200 है क्योंकि यहाँ एक इंक्रीमेंट लग चुका है। बेसिक पे 41,200 मिला है, डी ए 1565 मिला है, देन एच आर ए मिला है 9,888। ये अगेन सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर एक्स क्लास सिटी में हो, वाई क्लास सिटी में या जेड क्लास सिटी में हो तो 8%, 16% और 24% ये चारे वैरी करता है। फिर यहाँ पर्क्स आपको मिलता है 35%, तो 41,200 का 35% 14,420 मिला है। मेडिकल अलाउंस मिला है 2,875, स्ट्रेस अलाउंस मिला है 1,500, देन यहाँ कुछ रेटिंग और स्ट्रेस वगैरह के एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा ड्यूटी के मिले 300 रुपीज़, देन यहाँ एक्स्ट्रा ड्यूटी के एक्स्ट्रा 1,200 रुपीज़ मिला हुआ है। फिर रेटिंग अलाउंस मिला है 1,500 एंड लाइसेंस फी मिला है 350। EPF contribution है 5,132, then income tax में deduction हुआ है 5,931, GSLIS का contribution है 138, ये employee contribution हुआ है 250 का, electricity के charges यहाँ deduct हुए हैं 6,864, तो यहाँ total deductions हुए हैं 18,315, यहाँ net पे बना है 56,484। ये जो डिडक्शन हुआ था ये एक्चुअली 5-6 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार डिडक्ट हो गई थी, तो उसे भी अगर हम यहाँ ऐड कर दें लगभग ये 7,000 डिडक्ट हुआ था, तो प्लस यहाँ अगर हम 7,000 कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी बन जाती है लगभग 63,000। तो एटीसी में इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप एयरपोर्ट पर ज्वाइन करते हो तो आपको लगभग 60 से 63,000 आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। और जब आप इनिशियल ट्रेनिंग कर रहे होते हो उस समय आपको एचआरए नहीं मिलता है और आपके खाने वगैरह के कुछ डिडक्शन होते हैं 3-4 हज़ार। और इसके अलावा जब आपकी एयरपोर्ट में ड्यूटी रहती है तो यहाँ जैसे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो या नाइट ड्यूटी करते हो तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं, तो ये आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो जब आपकी ट्रेनिंग सेंटर में इनिशियल ट्रेनिंग चलती है उस समय आपको लगभग 45 से 50,000 सैलरी मिलती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक और सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये जिस पर्सन की है वो E2 लेवल पे है, असिस्टेंट मैनेजर है एंड उनकी अभी बेसिक पे 54,650 है। यहाँ बेसिक पे मिला है 54,650, डीए मिला है 10,055, स्ट्रेस अलाउंस मिला है 11,500, देन पर्क्स मिले हैं जो कि 35% होते हैं 19,127, रेटिंग अलाउंस मिला है 11,500 एंड मंथली टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1,619। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 1,08,452। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। ईपीएफ में डिडक्शन हुआ है 7,765, प्रोफेशनल टैक्स कटा है 200, इनकम टैक्स कटा है 14,636, देन यहाँ जीआईएनपी का कंट्रीब्यूशन है 138, कंप्यूटर लोन इन्होंने लिया था तो उसका कुछ डिडक्शन हुआ है 500 रुपीज़, देन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन हुआ है 250 रुपीज़ का, लाइसेंस फी 4,098 डिडक्शन हुआ है, सोसाइटी में 1,000 का डिडक्शन हुआ है एंड हाउसिंग पर्क के लिए रिकवरी हुए 809 का। तो यहाँ जो टोटल डिडक्शंस हुए हैं वो है 29,397। यहाँ अगर नेट पे देखें तो इन हैंड सैलरी बनी है 79,055। यहाँ इन्हें एचआरए नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने लीज फैसिलिटी ली हुई है और यहाँ पे लीज अमाउंट 35,000 का इनको मिलता है जो कि इनके ओनर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। तो फर्स्ट प्रमोशन होने के बाद अगर यहाँ टोटल सैलरी देखें तो 79,000 प्लस 35,000 आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी आपको मंथली सैलरी मिलती है। अब देखते हैं सैलरी के अलावा और क्या क्या अलाउंसेस हैं जो यहाँ मिलते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको पर नाइट 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। मेडिकल अलाउंस 15,000 मिलता है और ये क्वार्टरली मिलता है, मतलब साल में आपको ये 4 बार मिलेगा, तो अगर एनुअली कैलकुलेट करें तो ये लगभग 60,000 आपको मिलती है। जब आप इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एयरपोर्ट में ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होती है एंड जब आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपकी रेटिंग अलाउंस एंड स्ट्रेस अलाउंस शुरू हो जाती है एंड ये रेटिंग प्लस स्ट्रेस का जो अमाउंट बनता है ये लगभग 15,000 to 30,000 मंथली बनता है एंड ये एयरपोर्ट वाइज वेरी करता है। यहाँ आपको क्वार्टर्स ईजिली मिल जाते हैं लेकिन अगर आप क्वार्टर नहीं लेना चाहते हो तो आपको उसके बदले में एचआरए मिलता है, और अगर आपको किसी रीज़न से क्वार्टर नहीं मिल पाता है तो फिर यहाँ आप लीज ले सकते हो। यहाँ की लीज फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव को लीज अमाउंट 30,000 मिलता है जो कि डायरेक्टली आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट होता है। शू अलाउंस 4,800 मिलता है, ये एनुअली मिलता है।
ब्रीफकेस अलाउंस 3500 ये हर 3 साल में मिलता है, मोबाइल अलाउंस 5000 ये हर 3 साल में मिलता है। यहाँ ऑफिस की यूनिफॉर्म के लिए आपको कपड़े मिलते हैं एंड स्टिचिंग अलाउंस मिलता है 11000 का और ये हर 3 साल में मिलता है। यहाँ अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो आपके लिए एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी आपके डिपेंडेंट्स रहेंगे उनको बहुत ही बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आप डायरेक्टली किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हो एंड वहाँ आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। दोस्तों ये थी जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की सैलरी स्लिप एंड अलाउंसेस, एंड इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।